रोल मैम क्या क्या चाहेंगे इसको कॉन्सेप्ट के बारे में गो सेलेब्स का कितना आसान हो गया है जो कॉमन मैन होते हैं सेलेब से कनेक्ट करना और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर यू नो जब ऑनेस्टली हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उनके जो कॉन्सेप्ट्स थे लाइक ऑक्शंस लाइक कैशबैक्स मैं दो मिनट के लिए यू नो आई वाज शॉक्ड आई वाज लाइक कि मैं क्या बोलूँ लेकिन आर यू सीरियस यानी कि यस क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत यूनिक है एंड यू नो वेरी ट्रस्टवर्दी द टीम इज़ वेरी वंडरफुल हार्ड वर्किंग एंड ऐसे मतलब एक पर्सन भी ऐसे नहीं हुआ कि ओ माय गॉड ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा बिकॉज उन्होंने इतना ट्रस्ट डाला ना कि यू नो इमीडिएटली लाइक एक्टर्स लाइक मी हमने ऐसे नहीं किया ओके फाइन डन दिस इज़ नाइस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है You have some fan moment, you know, you want somebody, for example, Bachchan, Aamir, Shah Rukh, where you want to go celeb, if at all they are available, you want to be a part of it. Of course. Actually, honestly, I'm very active on social media, So for me, this was like, okay, I need that push, you know, and go celeb is really pushing me. और लाइक राइट नाउ आज ये इवेंट है आज फिर दांडिया के इवेंट है यू नो दे आर रियली हेल्पिंग आउट अस एज वेल एज फैंस आल्सो टू कनेक्ट विद अस सो इट्स वंडरफुल यू नो एंड व्हाट अबाउट द प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग इन कोई प्रोजेक्ट काम कर रही हैं आप फ्यूचर के लिए यस 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 अभी दो तीन महीने के लिए मेरा ब्रेक है बट रियली फ्यूचर में है दो तीन प्रोजेक्ट्स आई लेट यू नो होपफुली जल्दी हो जाएगा सबसे पहले तो मैं अपना गो सेलेब के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ कि यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया 100 बार शुक्रिया तुम जैसे गो सेलेब का सहारा है दोस्तों ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों एक्चुअली दिस इज़ मी राजीव राजा और मैं शिमला से हूँ तो मुझे एकदम पता नहीं था कि ये क्या चल रहा है और मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था इस ऑल मोमेंट से तो यहाँ आके पता चला कि इतना बड़ा इवेंट गो सेलेब कर रहा है तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ गो सेलेब का और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ख़ासकर सेलिब्रिटीज़ के लिए और हमारे लिए भी जो सेलिब्रिटीज बन रहे हैं अभी तो थैंक यू मच फॉर गो सेलेब कॉन्सेप्ट हाउ इंस्पायरिंग इट इज़ और क्या कहना चाहिए कितना आसान हो जाएगा एक कॉमन मैन और एक सेलिब्रिटी का कनेक्शन होना आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा अगर फिंगर टिप्स पे आपका आपके सेलिब्रिटीज़ अवेलेबल है उनके रेट्स और उनके जो भी पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और कौन हैंडल करेगा सब कुछ क्लियर है प्रॉपर वेरीफाइड है तो आई थिंक इट विल बिकम वेरी ईजी ताम झाम सब निकल जाएगा कॉम्प्लिकेशंस फिर ईगो हैसल सब निकल जाएगा लोगों के बीच में और आई थिंक सेलिब्रिटीज को भी बहुत काम मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत आर्टिस्ट मिलेंगे वो भी कम रेट में और एकदम अच्छा अच्छा रेट में तो आई थिंक सबके लिए ईजी हो जाएगा पर्सन तो मैं एक साथ चार लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती हूँ सो माई मेन मोटिव टू रजिस्टर विद गो सेलेब बॉस कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा सब कुछ मेरे लिए वही करेंगे सो आई वॉज रियली हैप्पी टू हियर दिस एंड चिराग जी ऑफकोर्स इट्स बिकॉज ऑफ हिम दैट ऑल ऑफ अस आर हियर एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्टर्स और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे सारे जो फैंस हैं जो व्यूअर्स हैं जो फैंस नहीं भी हैं उन सब के लिए वो एक्चुअली मेरा फैन मोमेंट अभी मैंने मिस्टर बच्चन के साथ ऐड किया है तो मेरा जो फैन मोमेंट था वो मिस्टर बच्चन के साथ था जब मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी उनके साथ शूट किया था सो दैट इज़ माई फैन मोमेंट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो आज तक पता नहीं किसी ने क्यों नहीं सोचा है सो चिराग जी गो सेलेब दे हैव थॉट अबाउट इट और कंग्रेचुलेशंस टू देम क्योंकि ऐसा कभी कुछ आया नहीं है और जब वो आया है आई एम श्योर कि हम सब उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाले हैं थैंक यू सो मच गो सेलेब इज़ अ वेरी ईजी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टर्स एक्चुअली बिकॉज बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि जो बीच का जो मीडिएटरशिप होती थी यहाँ से काम खराब होता था तो गो सेलेब के हिसाब से क्या होगा कि जो सही लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
जिसके अंदर किसी किस्म का कहीं मिसयूज़ नहीं हो सकता, चाहे आर्टिस्ट के साथ हो चाहे वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ हो। तो इन दैट वे एक जो बीच का ब्रिज है वो सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिश एक्टर्स एट द सेम टाइम द न्यू कमर्स। एंड व्हाट वुड यू से कि ये मतलब इस तरह कॉन्सेप्ट कितना मार्केट में पूरा सक्सेसफुल होगा या पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी समय से इवेंट्स का काम तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पहले आ जानी चाहिए थी। और ऑफकोर्स हर नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, एकदम से हो सकता है लोग उसको पहले समझ ना पाए, बट एज एन एक्टर जो मैं देख रहा हूँ जो मैं समझ सकता हूँ मुझे लगता है कि बहुत ईजी चीज़ है और आई थिंक इट कैन चेंज द इंडस्ट्री इन अ वे। सो देर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल, डिपेंड करता है लोग इसको कैसे परसीव करते हैं। एंड व्हाट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स वर्किंग राइट नाउ? आई जस्ट वॉन्ट अ बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर माई फिल्म पे 16 लास्ट मंथ, सो इट वॉज रिलीज इन ऑगस्ट। नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सो होपफुली नेक्स्ट ईयर माई फिल्म शुड स्टार्ट वर्किंग। सर मुबारकबाद चाहूँगा आपको, जो कॉन्सेप्ट ये बताएं कब इंस्पायर्ड हुए आप, कहाँ से ये आइडिया और क्या करना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर? सर ये लंबी कहानी है, जैसे मैंने बताया 2013 में मैंने 78 इवेंट वर्कआउट किए थे, उसमें मैं और आर्टिस्ट दोनों परेशान हो गए थे। फिर वहाँ से मैंने सोच लिया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए कि जिससे लोगों का और हम का सबका भला हो और एक फिंगर पे आ जाए। तो मेरा 7 साल से एक कंसेप्ट पे वर्क चल रहा था, बहुत लंबी कहानी है तो मैं डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसके साथ US की टीम वर्क कर रही है। हम ये पूरा जो पोर्टल है वो US बेस्ड कंपनी है जो पुणे में भी ऑपरेटिंग कर रही है, उन लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, हर चीज़ अवेलेबल है उस पर। मतलब अभी तो हमने सिर्फ गो सेलेब आर्टिस्ट बुकिंग आपको बताया, गो सेलेब ऑप्शन है, गो सेलेब क्लब है, गो सेलेब प्रो है, गो सेलेब हायर है, गो सेलेब लाइव है, इतने सारे वर्टिकल हैं, तो आर्टिस्ट को कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, गो सेलेब से ही इतना वर्क मिलेगा। तो अभी आपने से पता कि 300 आर्टिस्ट रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, तो उसमें से नॉन आर्टिस्ट कितने हैं? और कोई ऐसा नहीं है कि एक भी अपकमिंग, मुश्किल से 10 आर्टिस्ट होंगे। टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ के करीबन 240 समथिंग आर्टिस्ट हैं, अब जैसे अंकुश है, जैसे असीम अली है, जैसे हसन अली है, ये रिश्ता की टीम में से काफ़ी लोग हैं, पुराने टीम में से काफ़ी, मतलब आर्टिस्टों का हमारे वहाँ पे आते हैं और जब हम कंसेप्ट बनाते बताते हैं आधा घंटा में वो रेडी हो जाते हैं। जो मैंने आज तक मेरा इतना काम करने के बाद कभी भी आर्टिस्ट फर्स्ट मीटिंग में रेडी नहीं होता कंसेप्ट को सुन के। तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, आपका कंपटीटर कौन है फिलहाल मार्केट में? फिलहाल तो मैं लाइफ में जब भी काम किया है, और हिमांशु भी उसके लिए जानकार है, कि मैं कभी कॉम्पिटिशन में जुड़ा नहीं हूँ और मैं कॉम्पिटिशन में बिलीव नहीं करता, मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ। मैं जो भी आज काम कर रहा है आज तक वो यूनिक ही होगा, उसका मेन साक्षी हमारे हिमांशु भाई हैं। सर ये क्या करना चाहेंगे, इस ब्रांड को कैसे सर्विस करने वाले हैं मार्केट में आप, ऐसा पीआर क्या प्लानिंग करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हमने कि किसी को भी अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो गो सेलेब पे पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालेगा, उन्हें कॉस्ट मिल जाएगा, और अगर वो आज उनके पास उतने पैसे कम हैं तो EMI पे भी वो आर्टिस्ट को बुक कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है उसमें कि आपके पास ऑप्शन है कि अगर एक महीने नहीं या 6 महीने में आप पेमेंट करना चाहें, फिर भी वो आर्टिस्ट जो अगर आपने सपने में सोचा था कि वो आर्टिस्ट हमारे पास आए, हमारे इवेंट में आए, हमारे बर्थडे फंक्शन में आए, हमारी शादी में आए, तो वो सपना साकार होता हुआ दिखता है। और मैं गो सेलेब के थ्रू हम दोनों के लिए ऐसा कोई नहीं है। हाँ वो जरूर है हम दोनों के लिए कि गो सेलेब के थ्रू हम दोनों। सर सनी लियोनी है कि नहीं इस रजिस्टर्ड? हमारे लिए आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन कुछ हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में अगर कोई सेट होगा वो फिर चाहे कोई भी हो उसको रजिस्टर हम जरूर करेंगे। क्राइटेरिया टीम जो है हमारी लीगल टीम के साथ, क्योंकि हम अक्रॉस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और गो सेलेब की ऑफिस 7 कंट्रीज में है, तो हम उस क्राइटेरिया को ध्यान में रख के सबको रजिस्टर करेंगे, जो क्राइटेरिया मेरी जो लीगल टीम है उसके डिपेंड है।